देता हूँ. ओके नाउ सो द क्वेश्चन इज व्हाई शुड अ कंपनी ब्रांड अ प्रोडक्ट. किसी भी प्रोडक्ट को कोई भी कंपनी एज ए ब्रांड क्यों स्टैब्लिश करेगी या क्यों उसको करने के पीछे क्या रीजन एक होगा. ठीक है, उसके बारे में है. व्हाट आर द डिस्टिंक्शंस अमंग ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड इमेज एंड ब्रांड पोजीशन. ठीक है, इन तीनों में क्या क्या अंतर है. ब्रांड की आइडेंटिटी, ब्रांड का इमेज और ब्रांड का पोजीशन कैसा है, इस तीनों में क्या अंतर है. विद एग्जाम्पल्स हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोइंग टू टॉक अबाउट दैट व्हाई अ कंपनी स्टैब्लिशेज अ ब्रांड, स्टैब्लिशेज अ प्रोडक्ट एज ए ब्रांड. ठीक है ना. सो अभी जैसे मैं काफी एग्जाम्पल कॉमन है और काफी देता भी हूँ कि इंडिया में जो जो लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, कोको कोला या पेप्सी, ये दो ही कंपनीज हैं. जितने भी सारी चीजें हम लोग पीते हैं, चाहे वो स्प्राइट हो, सेवन अप हो, फैंटा हो, मिरिंडा हो, लिमका हो, वट एवर, ये सारे के सारे क्या है, ब्रांड्स हैं. एक ही कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं. जैसे कि आपका कोको कोला को अगर ले लेते हैं, कोक को अगर ले लेते हैं, तो कोक का ही ब्रांड आपका माजा है, कोक का ही ब्रांड आपका स्प्राइट है, कोक का ही ब्रांड आपका आई थिंक मिरिंडा है या लिमका, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर. बट कंपटीशन है, दोनों ब्रांड्स के बीच में कंपटीशन है. जब कोको कोला कुछ करती है तो सेम चीज जो है, सेम उसको कॉपी करने के लिए या फिर उसको कंपीट करने के लिए जो पेप्सी है वो ब्रांड को निकाल देती है. तो ये एक ही कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स होता है. और कोई भी कंपनी किसी भी ब्रांड को क्यों प्रमोट करेगी, क्योंकि उससे जो है लोगों के बीच में आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कि आपका जो ब्रांड है वो स्पेसिफिक चीजों को लेकर. जैसे जिन लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक में फ्रूट का जो है फ्लेवर चाहिए, तो जैसे कि माजा वगैरह हो गया, मैंगो को काफी ज्यादा टारगेट करते हैं वो लोग. सो माजा जो है उसी तरीके से पेप्सी के पास क्या है, पेप्सी के पास स्लाइस है, राइट. एक कंपटीशन जो है दोनों में बना हुआ रहता है. और ब्रांड बिल्ड इसीलिए किया जाता है ताकि आप जो ओवरऑल जो आपका ब्रांड है, पेप्सी हो या फिर कोको कोला हो, उसकी भी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती रहे. एक तो पैरेंट कंपनी हो गई, उसके अंडर में फिर उसका डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड हो गया. और कभी कभी ब्रांड इतना बड़ा हो जाता है कि ब्रांड वाइज जो है उसकी अकाउंटिंग वगैरह भी करनी पड़ती है, क्योंकि एक ही मदर ब्रांड के अंडर में, उसके अम्ब्रेला के अंडर में सारी चीजों को कैलकुलेट कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है. ठीक है. सो ब्रांड हम लोग क्यों क्रिएट करेंगे, कोई भी कंपनी ब्रांड क्यों क्रिएट करेगी, सबसे तो पहला पॉइंट यहाँ पे देखेंगे. सो ब्रांडिंग इज अ क्रूशियल स्ट्रेटेजी फॉर कंपनीज एज इट ऑफर्स सेवरल एडवांटेजेस. ब्रांडिंग करना बहुत ही जरूरी है, क्रूशियल है, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं जो कि कंपनीज को मिलती है. सबसे पहला फायदा है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट के मुकाबले आप डिफरेंट बताते हैं, अलग बताते हैं, अच्छा बताते हैं. ठीक है. सो ब्रांडिंग हेल्प्स प्रोडक्ट स्टैंड आउट इन अ कॉम्पिटेटिव मार्केट. इट अलाउज कंपनीज टू डिस्टिंग्विश देयर ऑफरिंग्स फ्रॉम दोज ऑफ कॉम्पिटिटर्स. है ना, जो कॉम्पिटिटर्स ऑफर कर रहे हैं आप उससे खुद को अलग या फिर अच्छा बताने की कोशिश करते हैं. इवन इफ द प्रोडक्ट्स आर सिमिलर, हो सकता है कि प्रोडक्ट सिमिलर हो, बट स्टिल यू आर ट्राइंग टू मेक योर ब्रांड मच बेटर. और नॉट जस्ट एक तरीके से विंडो ड्रेसिंग वाली बात हो गई. आपको पता है कि दोनों सिमिलर है, बट आप इस तरीके से दर्शा रहे हैं लोगों को कि आपका ब्रांड जो है वो सुपीरियर है, राइट. सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है किया जा सकता है ब्रांड्स को क्रिएट करके या ब्रांड्स को एक तरीके से बढ़ावा देकर के. दूसरा है बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी. ये मैंने बोला था कि ट्रस्ट को क्रिएट करना, ट्रस्ट को बढ़ाना लोगों के बीच में, है ना. सो वो आ जाएगा. सो स्ट्रॉन्ग ब्रांड कन्वेज ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी टू कंज्यूमर. तो कोई चीज अगर ब्रांड में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगी तो लोग देखना उसको लेना बहुत पसंद करेंगे. जैसे एप्पल का ही एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूँ. सो एप्पल की जो ब्रांड है वो इस तरीके से मतलब लोगों के मन में आ गया है कि लोग बिना सोचे समझे उसके लिए प्रीमियम प्राइस पे करने को तैयार है. तो एक क्रेडिबिलिटी जो है ब्रांड ने क्रिएट कर लिया है. ठीक है. सो स्ट्रॉन्ग ब्रांड कन्वेज ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी टू कस्टमर्स. पीपल आर मोर लाइकली टू चूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रांड्स दे रिकॉग्नाइज एंड ट्रस्ट. है ना. तो जब आपके पास दो ऑप्शन रहेगा और पहला वाला ऑप्शन आपको आपको जाना हुआ रहेगा, दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि पहले वाले ऑप्शन से बहुत अच्छा हो, क्योंकि लेकिन आप उस चीज के बारे में चूंकि जानते नहीं हो तो आप वो डिसीजन ले नहीं पा रहे उसको फेवर में. आप क्या करोगे, जिस चीज के बारे में आपने सुना है कहीं पे या जानते हो आप उसको बाय करने की कोशिश करोगे, जबकि दूसरा वाला प्रोडक्ट पहले वाले प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा अच्छा है ना. तो ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम ब्रांड्स को पहचानते हैं, है ना. तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि पीपल आर मोर लाइकली टू चूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रांड्स दे रिकॉग्नाइज. ऐसे ब्रांड जिनको वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जिसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, उनको वो लोग बाय करने की कोशिश करते हैं. सो द थर्ड एडवांटेज इज इमोशनल कनेक्शन. इस मामले में तो एप्पल का एग्जाम्पल एकदम सही बैठता है. इमोशनल कनेक्शन है. दुबई जैसे शहर में
चलो ठीक है, इंडिया में तो खैर थोड़ी बहुत हो जाती है वैसी चीजें, लेकिन दुबई जैसे शहर में लोग लाइनों में लग करके मारपीट कर रहे हैं कि हम लोगों को पहले चाहिए। सो इमोशनल एग्जैक्टली कनेक्शन एक क्रिएट हो जाता है। सो ब्रांड्स कैन क्रिएट इमोशनल कनेक्शंस विद कंज्यूमर्स। पीपल ऑफन डेवलप लॉयल्टी टू ब्रांड्स। धीरे धीरे लोगों के मन में, कंज्यूमर्स के मन में जो है किसी भी ब्रांड को लेकर के लॉयल्टी क्रिएट हो जाती है कि चलो ये ब्रांड बहुत ही अच्छा है और इसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स मैं लूंगा, भले ही इसके लिए मुझे ज्यादा प्राइस ही क्यों ना पे करना पड़े। ठीक है, एंड दैट अलाइन विद देयर वैल्यूज, लाइफ स्टाइल एंड एस्पायरेशन। ठीक है, आपका लाइफ स्टाइल, आपका जो एस्पायरेशन है, जो आप सोचते हो, जहां से आपको इंस्पिरेशन वगैरह मिलता है, या एस्पायरेशन एक तरीके से हो गया कि आप इंस्पायर हो रहे हो किसी चीज को लेकर के। कोई ब्रांड अगर ह्यूमैनिटेरियन एग्जैक्टली वर्क कर रही है ना, तो आपको डेफिनेटली उसके लिए काम करने में आपको अच्छा लगेगा, भले ही आप 2 रुपए 3 रुपए ज्यादा दे दो, 10 रुपए 15 रुपए 100 रुपए जो भी आप दे सकते हो। आप जैसे कि पीएनजी का आपने नाम सुना होगा, सनसिल्क हुई, या फिर जितने भी ब्रांडेड शैम्पूज वगैरह आते हैं, सब सब देखना पीएनजी के होते हैं। पीएनजी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि डिफरेंट ब्रांड्स के शैम्पूज को बनाती है। सो आप जब उसका बैक पेज देखोगे ना, जो बैक कवर देखोगे, वहां पे डिटेल्स में लिखा हुआ है कि आप जो प्रोडक्ट बाय करेंगे उसका एक हिस्सा जो है चिल्ड्रंस के लिए जाएगा, चिल्ड्रंस के लिए जो लोग पढ़ाई जिनकी नहीं हो पाती है उनके लिए जाएगा। तो जब आप ये चीज आपको दिखेगी ना, तो आपको लगेगा नहीं ये कंपनी तो बहुत अच्छा है, तो इसी कंपनी में के सामान हम क्यों ना खरीदें, भले ही 2-3 रुपए मेरे ज्यादा पड़े। जैसे कि मैं मूवी टिकट बुक कर रहा था बुक माई शो पे, तो बुक माई शो में हर एक टिकट बुक करने के लिए वो लोग 1-1 रुपए बुक का स्माइल बोर्ड करके चार्ज करते हैं। ठीक है, सो 1-1 रुपए ही चार्ज करते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। तो एक तरह से ना आपकी लॉयल्टी क्रिएट हुई है कि बुक माई शो से मैं करूंगा तो वहां से जो है उसका फायदा लोगों को भी मिलेगा। ठीक है, तो एक इमोशनल कनेक्शन जो है बन जाता है, आपके लाइफ स्टाइल और एस्पायरेशंस भी आपको मिलती है वहां से, है ना, तो वो लॉयल्टी एक तरीके से क्रिएट हो जाता है। थर्ड पॉइंट वॉज दैट। फोर्थ पॉइंट, कस्टमर लॉयल्टी, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। सो ब्रांड इनकरेज कस्टमर लॉयल्टी। कोई भी ब्रांड किसी भी कस्टमर को एक्चुअली इनकरेज करता है लॉयल्टी को लेकर के। देखो, अगर कोई ब्रांड से आप कॉन्टिन्यूस सर्विसेज ले रहे हो ना, तो देखना समटाइम्स वो बहुत सारी सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देगी, या एक दो प्रोडक्ट आपको पहले भेजेगी, या आपको स्पेशली लेटर लिखेगी कि आप हमारे बहुत पुराने कस्टमर हो, तो आपका इस प्रोडक्ट के बारे में क्या रिव्यू है, आप हमें रिव्यू बताइए या फीडबैक बताइए, है ना। तो जो प्रोडक्ट, जो कस्टमर जितना पुराना होता है किसी के पास, उस कस्टमर की उसकी थोड़ी सी इज्जत होती है ना। तो एक कस्टमर लॉयल्टी जो कि आपने क्रिएट करके रखी है, तो आपको भी उसका बेनिफिट जो है कंपनीज देती हैं, है ना। सो ब्रांड्स अभी के टाइम पे इनकरेज करती है कि आप अगर हमारे प्लान को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो हम आपको 5% का ज्यादा ऑफ करेंगे। अभी रिसेंटली मैंने कुछ परचेस किया, मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ, नटराज का वॉलनट था। नटराज नाम की एक कंपनी है जो कि वॉलनट, मतलब फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स के मार्केट में है। अमेजन से मैं ऑर्डर कर रहा था। सो नटराज जब आप नॉर्मली उसको ऑर्डर करोगे, उसकी प्राइस थी तकरीबन 699 और 599 समथिंग। बट व्हेन आई टुक द सब्सक्रिप्शन, जब मैं उसका सब्सक्रिप्शन लिया, दे डायरेक्टली ऑफर्ड मी 5% कैशबैक ऑन द अमाउंट। जो अमाउंट था 600 रुपए का या 700 रुपए का, उसके ऊपर 5% उन्होंने तुरंत कैशबैक जो है मुझे दे दिया इंस्टेंट। सब्सक्राइब करने का मतलब हो गया कि हर 2 या 3 महीने में जब भी मैं फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करूंगा, उस फ्रीक्वेंसी में वो ऑटोमेटिक मेरे घर पे वो सामान भेज देगा। तो वो एक तरीके से लॉयल्टी क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। सो उस चीज के कारण आपको उस चीज का फायदा भी मिलता है। सो ब्रांड्स इनकरेज कस्टमर लॉयल्टी, जैसे यहाँ पे इनकरेज किया गया मुझे वॉलनट लेने के मामले में, लीडिंग टू रिपीट परचेज, जिसके कारण से क्या होता है, परचेज जो है वो रिपीट होता है, कई बार आप लेते हो। एंड ब्रांड एडवोकेसी, और आप उस ब्रांड के एडवोकेट बन जाते हो। जब कोई आदमी आपके सामने आकर के बोलेगा कि नटराज का वॉलनट अच्छा नहीं था, मैंने इस ब्रांड का खाया तो मुझे अच्छा लगा, तो आप बोलोगे कि नहीं, मैं तो नटराज का ही खाता हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है, आपको वो कंपनी 1 रुपए नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी आप उस ब्रांड के एडवोकेट, उसका एडवोकेट बन गए हो कि नहीं वो ब्रांड ही अच्छा है, बाकी सब बेकार है। सो एडवोकेसी का मतलब हो गया कि बिना किसी फायदे के आप उसका एक तरीके से आप उसको एडवोकेट कर रहे हो। कोई उसके खिलाफ बोल रहा है, आप बोल रहे हो कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना, तो आप फ्री में मतलब वो चीज काम कर रहे हो। सो कस्टमर लॉयल्टी जब बिल्डअप होती है, तो आप ये काम करने लगते हो। कोई अगर मेरे सामने आकर के बोले कि एप्पल का फोन खराब होता है, तो मैं क्या बोलूंगा, अच्छा होता है, मतलब खराब होता है, ऐसा तो मैं बोल ही नहीं सकता, मैं तो बोलूंगा अच्छा होता है। नहीं मैं अगर एप्पल का फोन यूज कर रहा हूँ, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि एप्पल का फोन खराब है। तो कस्टमर लॉयल्टी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। सो वो हो गया। पांचवा पॉइंट है हायर परसीव्ड वैल्यू। यस, तो ब्रांड अगर डेवलप हो जाएगा, तो उसकी जो परसीव्ड वैल्यू है वो ज्यादा हो, मतलब लोगों को तुरंत वो चीज पसंद आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा उसकी मार्केटिंग करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी, आपका जो परसेप्शन होगा वो आपका एक्चुअली बहुत ही क्लियर कट हो जाता है किसी भी ब्रांड को लेकर।
तो आप बहुत जल्दी उसको परसीव्ड कर लेते हो, ठीक है ना। सो अ वेल एस्टैब्लिश ब्रांड ऑफन कमांड्स हाइयर प्राइसेस। तो जो वेल एस्टैब्लिश ब्रांड्स होगा वो क्या करेगा, प्राइसेस हाइयर प्राइसेस के ऊपर ज्यादा खेलेगा, हाइयर प्राइसेस ज्यादा रखेगा। जैसे एप्पल का एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूँ, तो यहाँ पे हमारा जो परसीव्ड वैल्यू है कि ये प्रोडक्ट काफी अच्छा है ना, तो ये जब मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट काफी अच्छा है और मैं सैमसंग का S23 लेने वाला हूँ और साथ ही साथ मुझे एप्पल का भी फोन उसी रेंज में मिल रहा है और मुझे पता है कि ये ब्रांड उससे ज्यादा अच्छा है या अच्छा है, तो मैं डेफिनेटली एप्पल को ही बाय करूंगा, क्योंकि आपका जो परसीव्ड वैल्यू है वो उसमें ज्यादा आ रहा है, ठीक है। सो वो चीज है यहाँ पे। एंड वो लोग जानबूझ करके प्राइस ज्यादा रखते भी हैं क्योंकि लोगों को पता है कि लोग वो लोग खरीदेंगे ही, उन लोगों को पता है, ठीक है। सो कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे मोर फॉर प्रोडक्ट्स एसोसिएटेड विद रेपुटेबल ब्रांड्स, ठीक है ना। ये देखने को मिलेगा जब आप कोई भी प्रोडक्ट का ब्रांड खरीदोगे तो देखना उसका नाम डिफरेंट रहेगा, लेकिन जब आप उसका पीछे वाला पेज पढ़ोगे और वहां पे लिखा रहेगा बाय आईटीसी, जैसे कि अभी रिसेंटली आईटीसी का बहुत कुछ आया है, आईटीसी ने अभी चॉकलेट वगैरह बनाया, आईटीसी का बहुत कुछ अभी प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है, लेकिन सबका ब्रांड अलग अलग है। तो जब आप ब्रांड देखोगे तो बोलोगे नया है, लेकिन जब आप उसको पीछे पलट के देखोगे अरे ये तो आईटीसी का है, समझ रहे हो आप, तो आप आराम से उसको बाय कर लोगे बिना सोचे समझे। टाटा का सोलफुल, टाटा सोलफुल बोल करके केलॉग्स का जो मार्केट है ना पूरा का पूरा, जिसमें वो लोग मुसेली वगैरह बनाते हैं, कॉर्नफ्लैक्स वगैरह बनाते हैं, तो उस मार्केट में टाटा घुसा है, उसका नाम रखा है सोलफुल और टाटा बहुत छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है टाटा, ठीक है। तो आप सोलफुल तो कभी आपने खाया नहीं, आपको जरा भी आइडिया नहीं है वो कैसा है, टेस्ट कैसा है, अच्छा है नहीं है, तो आपने सिर्फ देखा कि टाटा है, अच्छा टाटा का प्रोडक्ट है बहुत अच्छा होगा, समझ रहे हो आप। सो वो रेपुटेबल ब्रांड्स के साथ जो है आप ज्यादा पे करने के लिए रेडी हो जाते, ठीक है। छठा पॉइंट है मार्केट एक्सपेंशन। ऑब्वियसली ब्रांड, कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड क्रिएट कर देना किसी एक चीज के लिए, वो क्या हो गया कि आपका मार्केट एक्सपेंड कर देगा, ठीक है, क्लियर कट हो जाएगा कि आपका जो है इसी चीज इसी बिजनेस में आप हो और आप इसी बिजनेस में रह करके आप उसको और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका मार्केट ऑटोमेटिक एक्सपेंड करने लगेगा, ठीक है। तो ये छह एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से कंपनीज जो है ब्रांड्स को प्रमोट करती हैं या फिर ब्रांड क्रिएट करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। जैसे कि अभी लेंसकार्ट का एग्जाम्पल ले लो, लेंसकार्ट अभी फ्रेम्स के सेक्टर में काफी बड़ा है, ऑफलाइन लोग कहीं से भी खरीदे लेकिन जब ऑनलाइन खरीदने की बारी आती है तो लोग लेंसकार्ट से ही खरीदते हैं, भले ही प्राइस थोड़ी सी ज्यादा पे करनी पड़े, ठीक है ना। सो एक ब्रांड जो है उनका वैल्यू बन चुका है। नाउ अब इन तीनों में क्या क्या अंतर है, ठीक है। सो ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड आइडेंटिटी इज द वे कंपनी पोर्ट्रेज इटसेल्फ एंड हाउ इट वॉन्ट्स टू बी परसीव्ड बाई कस्टमर्स, आई मीन कंज्यूमर्स या कस्टमर्स जो भी। सो ब्रांड आइडेंटिटी एक्चुअली वो चीज होती है, फिर वो तरीका होता है जिसके जरिए कोई भी कंपनी चाहती है कि लोग उसको इस तरीके से याद करें। जैसे कि बॉश का आपने नाम सुना होगा, बॉश एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, वो आई थिंक जो माइक्स वगैरह होते हैं या जो हार्डवेयर का जो काम होता है, खासकर वो माइक वगैरह या हॉर्न वगैरह जो होता है, ट्रक्स में जो हॉर्न वगैरह होता है ना, भारी भरकम जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, वो बॉश बनाती है, ठीक है ना। सो लोग चाहते हैं, कंपनी चाहती है कि लोग बॉश को एज ए मतलब परफेक्ट चीज बनाने के मामले में याद रखे। बॉश का आपका जो है वॉशिंग मशीन वगैरह भी आता है, काफी महंगा आता है क्योंकि ब्रांड ब्लेंडर वैल्यू एक वगैरह आता अलग है से, इसमें। हाँ काफी मतलब उसकी वैल्यू बनी हुई है जिसके कारण से वो चीज जो होता है, तो कंपनी चाहता है कि हमारी एक आइडेंटिटी बन जाए कि 5-10 साल बाद भी जब लोग बात करें तो सिर्फ इसी का बात करें कि अच्छा ये कंपनी जो है इस मामले में बहुत अच्छी थी। तो आप चाहते हो कि आपकी एक आइडेंटिटी बन जाए, लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी जो होती है वो लॉन्ग टर्म लाइक आप बोल सकते हो, ठीक है। सो वो हो गया। इट इनकम्पसेस विजुअल एलिमेंट्स, यहाँ पे आपका विजुअल एलिमेंट्स आ जाएगा, लाइक लोगो आ जाएगा, कलर स्कीम्स आ जाएगा, जो कलर आप चूज करोगे, जो लोगो आप बनाओगे वो लोगो जो है लोगों को हमेशा याद रहेगा, ठीक है। वो लोगोस लोगों को काफी दिनों तक याद रहेगा जो लोगो आप क्रिएट करोगे। कंपनी देखना लोगोस बहुत सालों बाद बदलती है और जब भी बदलती है ना तो उसका भी काफी चर्चा होता है, ठीक है। सो वो चीजें आ जाएंगी, कलर स्कीम्स आ जाएगा, डिजाइन आ जाएगा, एज वेल एज जो मैसेजिंग है ना, जैसे कि मैसेजिंग यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया गया है नाइकी का, जस्ट डू इट एग्जाम्पल में, है ना, जस्ट डू इट, ये क्या है। अब जब कोई आपके सामने बोलेगा कि कोई स्लोगन है जस्ट डू इट, तो आप क्या बोलोगे, अच्छा ये नाइकी का स्लोगन है, समझ रहे हो आप। पूमा का भी कुछ उस तरीके से है, जितने भी ब्रांड्स वगैरह होते हैं सबका कुछ ना कुछ स्लोगन होता है, जैसे कि LIC का सबसे फेमस, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, है कि नहीं।
सो अगर ये यस लाइन यस कोई यस बोल रहा है तो आप बोलोगे कि ये एलआईसी है। सो एलआईसी है। मौसम एक आइडेंटिटी आपकी बन जा रही है, समझ रहे हो, लॉन्ग टर्म में। निर्माता, निर्मा निर्मा का, पाउडर हाँ, वॉशिंग पाउडर निर्मा, पूरा जया सुषमा, कुछ वो, कुछ था, यस। राइट। एक मिनट, मैं पानी पी लेता हूँ। ओके, नाउ सो ब्रांड आइडेंटिटी इज व्हाट द कंपनी कंट्रोल्स। एग्जांपल, नाइकीज ब्रांड आइडेंटिटी इज एसोसिएटेड विद एथलेटिज्म, इनोवेशन एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, ये दो चीजें तो बेकार हैं, ठीक है, इनोवेशन एंड एम्पावरमेंट ये लोग कहते हैं, बट ऐसा कुछ खास इनोवेशन और एम्पावरमेंट तो होता नहीं। एम्पावरमेंट हद तक हो सकता है, इनोवेशन पता नहीं जूते बनाने में ये लोग क्या इनोवेशन कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, सो नाइकी का जो एसोसिएशन है, मेनली नाइकी हो गया, पुमा हो गया, फिर रिबॉक हो गया, इनका मेन एसोसिएशन क्या है कि ये लोग एथलेटिज्म को बढ़ाते हैं। एथलेटिसिज्म को बढ़ाते हैं मतलब जो लोग एथलीट्स है ना, जो खिलाड़ी होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, वो लोग देखना नाइकी का ब्रांड यूज करते हैं या रिबॉक का ब्रांड यूज करते हैं या फिर पुमा का। पुमा एक्चुअली उतना ज्यादा नहीं है उस चीज में, बट नाइकी और रिबॉक काफी ज्यादा है। ठीक है, सो ये लोग एक्चुअली अपना आइडेंटिटी इन लोगों ने क्रिएट करके रखा है एज ए एथलेटिक ब्रांड, है ना, कि कोई कोई खिलाड़ी अगर है तो आपके जूते का ही इस्तेमाल करेगा या फिर जो आपके डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें आएंगी वो चीजों का इस्तेमाल करेगा, है ना। तो वो उन लोगों ने उसके साथ एक आइडेंटिटी बना दी। उनका सूज लोगो, जो लोगो है नाइकी का, वो सिग्नेचर वाला टिक वाला है ना, वो काफी याद रहता है लोगों को। साथ ही साथ उनका जस्ट डू इट का स्लोगन के बारे में यहाँ पे बोला गया है, एंड द यूज ऑफ एथलेटिस हाँ ठीक है, तो है एथलीट्स इन मार्केटिंग कन्वे दिस आइडेंटिटी, है ना। और वो लोग साथ ही साथ क्या करते हैं, चूंकि उनका सेल काफी ज्यादा है, तो वो लोग अच्छे अच्छे एथलीट्स को एज ए ब्रांड एम्बेसडर चूज करते हैं और साल भर उनसे मार्केटिंग करवाते हैं और भारी भरकम पैसा उनको देते हैं, ठीक है ना। तो उसके जरिए भी लोगों के मन में वो चीज जो है आइडेंटिटी क्रिएट की जाती है कि अच्छा धोनी जो है इसका ऐड कर रहा है, धोनी क्या है, खिलाड़ी है, अब खिलाड़ी एक ब्रांड का ऐड करेगा तो लोग तो उस चीज को खरीदेंगे, है ना। तो खिलाड़ियों से ही ब्रांड की जो है एक तरीके से उसका मार्केटिंग भी करवाना होता है। दूसरा है ब्रांड इमेज। देखने में ना तीनों तकरीबन एक जैसा लग रहा है, खासकर ब्रांड इमेज और ब्रांड आइडेंटिटी दोनों तकरीबन एक ही तरीके का है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, हम लोग इसको करेंगे। ब्रांड इमेज इज हाउ कंज्यूमर्स परसीव द ब्रांड बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शंस एंड एक्सपीरियंसेस विद इट। ठीक है, ब्रांड आइडेंटिटी में देखो यहाँ पे एक्सपीरियंसेस या किस तरीके से वो परसीव कर रहे हैं उसके बारे में नहीं बोला गया है, लेकिन ब्रांड इमेज में स्पेसिफिकली बोला गया यहाँ पे कंज्यूमर ऑलरेडी यूज कर चुका है किसी चीज को। ब्रांड आइडेंटिटी आपने अगर नहीं भी यूज किया है उस ब्रांड को, तो उसकी एक ब्रांड आइडेंटिटी है। आपको पता है कि स्पोर्ट्स का अगर कोई सामान खरीदना है तो आप नाइकी के पास जाओगे, ठीक है। और ब्रांड इमेज का मतलब हो गया कि यहाँ पे कस्टमर जो है उस चीज को यूज कर चुका है और उसकी एक लॉयल्टी, उसका एक इमेज जो है मार्केट में रेडी हो गया है ना। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, मैं एप्पल का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, इतनी अच्छी कंपनी है कि हर जगह ही इसका एग्जाम्पल, ठीक है। सो इनका एक ब्रांड इमेज बन गया है, ठीक है ना, क्या बन गया है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सॉरी मैं थोड़ा एग्जाम्पल पहले करा दे रहा हूँ। एप्पल्स ब्रांड इमेज इज ऑफन एसोसिएटेड विद स्लीक डिजाइन। जब भी स्लीक डिजाइन की बात होगी तो एप्पल की बात होगी, क्योंकि एप्पल वॉज द फर्स्ट ब्रांड जो कि स्लीक चीज के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। एप्पल जब ब्रांडिंग करता था ना, मैंने स्टीव जॉब्स की ब्रांडिंग देखी है, हालांकि वो तो काफी पुराना बंदा, मैंने रिकॉर्डिंग्स वगैरह ही देखी है, अगर आप देखोगे ना तो वो ब्रांडिंग कैसे करता था कि छोटा फोन है, स्लीक फोन है, पॉकेट के अंदर आपका घुस जाएगा, क्या फायदा है, कुछ नहीं, बस उसका साइज। इवन जब वो मैकबुक लॉन्च करता था, जो एप्पल का जो लैपटॉप होता है मैकबुक उसको कहते हैं ना, सो वो जब लॉन्च करता था तो वो हर साल बताता था कि इसकी जो मोटाई है वो कितनी घट रही है, हर साल इसकी मोटाई इतनी घट गई, फिर इतनी घट गई, तो उस तरीके से वो परसीव करवाता था। तो उसका एक तरीके से स्लीक डिजाइन जो है ना, इन लोगों का एक तरीके से मेन क्या बोलेंगे, ब्रांड इमेज क्रिएट करने का एक टूल है, आप बता सकते हो। साथ ही साथ इनोवेशन, इनोवेशन के मामले में तो एप्पल का कोई तोड़ नहीं है, मतलब वो जो आईलिड वाला कैमरा इन लोगों ने जो भी इंस्टॉल किया है, iPhone 14 से ही इंस्टॉल है, 13 में शायद नहीं था, iPhone 14 से वो हुआ है, 14 15 में भी है, तो वो आईलिड वाला कैमरा इतना इनोवेटिव है, इतना खूबसूरत लगता है, और वो कैमरा भी किसी के पास भी नहीं है। इतने सारे ब्रांड्स हैं, किसी के पास उस तरीके का कैमरा नहीं है कि वो कैमरा
जब कॉल आए तो वो बड़ा हो जाए, फिर वापस से छोटा हो जाए, ठीक है। तो वो इनोवेशन के मामले में एप्पल मतलब एक लेवल आगे है हर एक कंपनी के मुकाबले, चाहे उसका प्रोसेसर ले लो या फिर कुछ भी ले लो, वो लोग एक लेवल आगे ही रहता है। एंड यूजर फ्रेंडलीनेस, और यूजर्स के लिए यूज करने में वो काफी ज्यादा इजी होता है। द परसेप्शन हैज बीन बिल्ट, अभी जो परसेप्शन है ये बना है, देखो कैसे बिल्ट थ्रू द कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड डिजाइन ऑफ एप्पल प्रोडक्ट। कंसिस्टेंट क्वालिटी, कॉन्टिन्यूअस इन लोगों ने अपने क्वालिटी में बेहतरी करने की कोशिश की है, हमेशा उसको बेहतर बनाने की कोशिश की है, जिसके कारण से एप्पल का प्रोडक्ट्स लोगों को पसंद आया है। और उसका डिजाइन तो भाई है ही, मैं डिजाइन की ही अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब गजब का डिजाइन। वो जब मैंने तीन कैमरा लॉन्च किया था ना पीछे में, उतना बल्की कैमरा देखने में कितना बल्की लगता है, जो उसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि इस तरीके का कैमरा क्यों लॉन्च किया जा रहा है, मतलब ऐसा कैमरा क्यों, लेकिन उस चीज को भी लोगों ने बहुत ही पॉजिटिवली लिया और वो मार्केटिंग का एक तरीका बन गया कि आप अपने बारे में कुछ नेगेटिव सुनो और उसी चीज को जो है बार बार दोहराते रहो। और उसका कैमरा सिर्फ 12 मेगापिक्सल का है, लेकिन वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी पिक्चर आपको जो है मिलेगा उसमें, ठीक है। सो वो चीज है। सो ब्रांड इमेज जो है वो साल दर साल आपके काम करने के तरीके के साथ, आपके प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ क्रिएट होती है, ठीक है। इट इज अ मेंटल पिक्चर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स द मेंटल पिक्चर, यहाँ पे इट्स द मेंटल पिक्चर कंज्यूमर हैव ऑफ द ब्रांड, या आपके दिमाग में ये पिक्चर जो है बसा हुआ है, बैठा हुआ है। एंड इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केटिंग एफर्ट्स, इसको इन्फ्लुएंस किया जाता है मार्केटिंग एफर्ट्स के साथ। पहले जो एप्पल का एड वगैरह टीवी में चलता था, बहुत ही धांसू एड रहता था, ठीक है ना, प्रोडक्ट क्वालिटी, कंज्यूमर सर्विस एंड पब्लिक परसेप्शन, ठीक है, इन सब चीजों के जरिए जो है होता है। तीसरा पॉइंट है ब्रांड पोजीशन। अब ब्रांड पोजीशन इज लाइक आप खुद को किस तरीके से मार्केट में पोजीशन कर रहे हो, ठीक है। मार्केट में तो बहुत सारी ब्रांड्स हैं, लेकिन आपको एक तरीके से खुद को अलग बताना है या डिफ्रेंशिएट कर रहा है, तो वहां पे ब्रांड पोजीशन की बात जो है वो एक तरीके से आएगी। ब्रांड पोजीशन इज द स्पेस अ ब्रांड ऑक्यूपाइज इन कंज्यूमर्स माइंड्स रिलेटेड टू कॉम्पिटिटर्स, ठीक है ना। तो एक जगह आपने जो है कंज्यूमर के दिमाग में अपनी एक जगह बना ली है, ठीक है। आपके दिमाग में एप्पल भी है, सैमसंग भी है, लेकिन आपने आपके दिमाग में आपने एप्पल का एक ऐसा जगह बना लिया है एप्पल ने, कि आपको जब भी चूज करना होगा दोनों में तो आप एप्पल को ही चूज करोगे, ठीक है। सो एक ब्रांड जो है आपके दिमाग में एक ऐसा जगह बना लेती है जो कि दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले वो हमेशा उसको एज मिलता है। इट डिफाइंस द ब्रांड्स यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन एंड हाउ इट मीट्स कंज्यूमर्स नीड्स, है ना। सो ये क्या क्या डिफाइन करता है, ब्रांड का यूनिक, जो उसका यूनिकनेस है वो डिफाइन करता है, यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन और एंड हाउ इट मीट्स कंज्यूमर्स नीड्स, और ये कंज्यूमर्स की नीड्स को किस तरीके से पूरा करता है। इफेक्टिव ब्रांड पोजिशनिंग सेट्स द ब्रांड्स अपार्ट फ्रॉम द अदर्स, और जब आप अपने ब्रांड्स के ब्रांड को सही तरीके से पोजिशन करते हो तो वो ऑटोमेटिकली बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले वो डिफरेंट और बेहतर दिखने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया गया है वोल्वो का, ठीक है। सो वोल्वो पोजिशन्स इटसेल्फ एज अ ब्रांड फोकस्ड ऑन सेफ्टी, सेफ्टी सॉरी नॉट सेफ्टी, तो वोल्वो जो है खुद को पोजीशन करता है एज अ ब्रांड ऑफ सेफ्टी। अगर आप वोल्वो के प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हो, वोल्वो के बस में जा रहे हो या फिर उसका कोई भी प्रोडक्ट अगर यूज कर रहे हो, तो वो बहुत ही ज्यादा सेफ होगा, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। तो एज अ सेफ्टी ब्रांड वो जो है खुद को, नॉट सेफ्टी ब्रांड बट उनका प्रोडक्ट बहुत सेफ है, इस तरीके से वो लोग जो है प्रोजेक्ट करता है लोगों के सामने खुद के ब्रांड को। इट्स ब्रांड पोजिशन इज बिल्ट ऑन अ हिस्ट्री ऑफ सेफ्टी इनोवेशंस। अब उसका जो ब्रांड पोजीशन है वो बिल्ड ही हुआ है उसके हिस्ट्री के ऊपर, और उसका हिस्ट्री में ये बताया गया है, हर बार दिखाया गया है कि उनका जो है सेफ्टी के मामले में वो लोग काफी अच्छे हैं, और उनका मैसेज क्या है, वोल्वो इक्वल्स सेफ्टी, ठीक है, वोल्वो जो है सेफ्टी के बराबर है। आप बोलोगे मुझे मार्केट में जाकर के कोई सेफ प्रोडक्ट खरीदना है, मतलब जो प्रोडक्ट वोल्वो बनाती है उस प्रोडक्ट, उस तरह के प्रोडक्ट आपको मार्केट में आपको जाके खरीदने हैं, तो आप क्या लेने की कोशिश करोगे, आप वोल्वो लेने की कोशिश करोगे, वोल्वो के प्रोडक्ट को लेने की कोशिश करोगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट ज्यादा सेफ है कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे देखो इलस्ट्रेशन दे करके बताने की कोशिश की है, इलस्ट्रेशन ऑफ द डिस्टिंक्शंस, कंसीडर द ब्रांड कोको कोला, ब्रांड आइडेंटिटी, कोको कोला ब्रांड आइडेंटिटी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है। कोको कोला ब्रांड आइडेंटिटी इंक्लूड्स इट्स रेड एंड व्हाइट कलर स्कीम, है ना। कोको कोला आप लोगों ने पिया ही होगा आई थिंक, सो आई थिंक क्या, ऑफ कोर्स पिया होगा। सो कोको कोला ब्रांड आइडेंटिटी, एक मिनट, हाँ, इंक्लूड्स इट्स रेड, अब उसका रेड एंड व्हाइट जो कलर स्कीम है, जब आप उसके पैकेजिंग को देखोगे तो रेड कलर से पूरा पैक रहता है और उसके ऊपर व्हाइट कलर से चीजें जो है
लिखी हुई होती है ना। सो वो आ जाएगा द आइकॉनिक कॉन्टोर बॉटल डिजाइन, जो बॉटल का डिजाइन है वो देखना, ऊपर से आकर के थोड़ा सा फूला हुआ है, फिर बीच में चपटा है, फिर नीचे जाकर के फूला हुआ है, ठीक है। सो मैं कैसे समझाऊं, मैं खैर कोई नहीं, आप लोगों ने बोतल देखा ही होगा। सो उसका जो डिजाइन है वो कॉन्टोर, या उसको कॉन्टोर डिजाइन बोलते हैं, तो वो डिजाइन जो है काफी फेमस है। देखना सारे बॉटल्स का डिजाइन डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। बॉटल डिजाइन, द स्क्रिप्टेड लोगो, जो लोगो है वो स्क्रिप्टेड है बहुत ही अच्छे तरीके से, एंड एसोसिएटेड हैप्पीनेस एंड रिफ्रेशमेंट वैल्यूज इट कन्वेज। और वो क्या दिखाने की कोशिश करता है कि जो कोको कोला है वो एक तरीके से हैप्पीनेस का सिंबल है। जब आप खुश हैं तो कोको कोला पीजिए, जब आपको रिफ्रेशमेंट चाहिए, आप थके हुए हैं आपको रिफ्रेशमेंट चाहिए, तो आप कोको कोला पीजिए, ठीक है। इस तरीके से वो खुद को आइडेंटिफाई करवा के रखा है लोगों के सामने। आप कोको कोला के ब्रांड इमेज की अगर बात करें तो वो कैसा है, तो कोको कोला ब्रांड इमेज रिफ्लेक्ट हाउ कंज्यूमर्स परसीव द ब्रांड, ठीक है ना। अब इसकी ब्रांड इमेज इस तरीके की है कि लोग उसको किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे कोको कोला ज्यादा पसंद है पेप्सी के प्रोडक्ट्स के मुकाबले। मुझे स्प्राइट ज्यादा पसंद है, सेवन अप उतना नहीं पसंद, पर मजबूरी में कल मैं सेवन अप ही पी रहा था। खैर, सो इट माइट बी एसोसिएटेड विद मोमेंट्स ऑफ जॉय, इट माइट बी एसोसिएटेड विद मोमेंट्स ऑफ जॉय शेयरिंग और नॉस्टैल्जिया। अब ये देखो नॉस्टैल्जिया की बात की गई, नॉस्टैल्जिया, जब आप शाहरुख खान को देखते हो पुराने वाले पेप्सी वाले एड में, तो आपको पेप्सी पीने का ही मन करेगा, ठीक है। कोक का एड आमिर करता था, काफी पुराना एड है, कभी यूट्यूब में सर्च करना तो काफी अच्छा लगेगा वो सारा एड देख करके, तो एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट होता है। सेम थिंग मेरे मेरे साथ अभी हुई, मैंने नोकिया का एक फोन देखा, मुझे बहुत पसंद आया, मैंने अभी तक लिया नहीं है पर मुझे वो फोन लेना है। कोई फायदा नहीं उस फोन को लेकर के, प्राइस काफी हाई है, तकरीबन 5,000 रुपए का फोन है, फीचर फोन है, सोचो उसमें एंड्रॉयड भी नहीं है, फिर भी 5,000 का प्राइस है, पर मुझे वो फोन सिर्फ इसलिए लेना है क्योंकि मुझे नॉस्टैल्जिया फील कर रहा है। मतलब वो फोन देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि नोकिया का क्या मतलब वर्चस्व था एक टाइम पे। आज से 15-20 साल पहले नोकिया के सामने कोई कंपनी टिकता नहीं था, ठीक है। तो वो एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट होता है, और कोको कोला के साथ भी वैसा ही है। जब कोको कोला का पुराना एड देखोगे ना तो गजब लगेगा, मतलब आप लोगों ने वो सारा ऐड देखा है बचपन में लेकिन याद नहीं है, लेकिन जब देखोगे ना तो गजब लगेगा, जैसे कि वही सब चीज है। सो नॉस्टैल्जिया बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा ब्रांड पोजीशन। सो कोको कोला का ब्रांड पोजीशन की अगर बात करें तो इट मे बी सेंटर्ड ऑन बींग क्लासिक एंड ओरिजिनल। वो खुद को एज ए क्लासिक और ओरिजिनल बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्लासिक एज ए पुराना पुराना, ठीक है। क्लासिक एज मतलब एक तरीके से जो हमेशा से चलते आ रहा है, और नेवर एंडिंग टाइप का चीज, ठीक है। सो क्लासिक इज लाइक पुराना चीज, जैसे हम लोग सुनते हैं ना क्लासिकल म्यूजिक या क्लासिकल डांस, तो क्लासिकल इज लाइक पुराना डांस जो कि अभी भी चलता है, और साथ ही साथ ओरिजिनल। ओरिजिनल भी इसलिए बोल रहा है क्योंकि मार्केट में बहुत तरह का कोको कोला है। अभी रिसेंटली कैंपा कोला भी लॉन्च कर दिया गया वापस से, कैंपा कोला भी अपने आप में एक नॉस्टैल्जिया है। एक टाइम पे वो भी बहुत चलता था, और जियो ने आई मीन रिलायंस ने उसको वापस से रिलॉन्च किया है, रीब्रांड करने की कोशिश की है कैंपा कोला को, ठीक है। तो ओरिजिनल वो लोग इसलिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कोला का ब्रांड मार्केट में बहुत सारा है, लेकिन जो ओरिजिनल कोको कोला है वो तो कोक ही है, ठीक है। तो सेटिंग इट्स अपार्ट फ्रॉम द अदर कोला ब्रांड्स बाय एम्फेसाइजिंग इट्स लॉन्ग हिस्ट्री एंड टाइमलेस अपील। 100 साल से पुरानी कंपनी है कोको कोला, अभी की कंपनी तो है नहीं, तो उसका एक अलग ही वैल्यू है, ठीक है। तो वो खुद को एज ए ओरिजिनल कोला बताने की कोशिश करते हैं। These distinctions highlight that while a company can shape its brand identity, the brand image ultimately resides in the minds of consumers, and the brand position reflects how it competes in the market. Successful branding aligns with elements to create a strong, memorable, and competitive brand. ठीक है, अब ये जो ब्रांडिंग आप करोगे, ब्रांडिंग का जो तीन तरीका बताया गया वो एक्चुअली स्टेप वाइज है। तो जब भी आप इसको करोगे तो आपका जो है इसका इम्पैक्ट जो है लोगों के मन में काफी स्ट्रांग होगा, मेमोरेबल होगा, लोग उसको याद रखेंगे, और आपका ब्रांड इसी तरीके से कॉम्पिटिटिव ब्रांड बन पाएगा, ठीक है ना। तो दैट वाज द टॉपिक एंड दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, ठीक है। इसमें और कुछ ऐड नहीं कर रहा। कल सुबह आप लोग क्या फ्री रहेंगे 8 बजे? ओके देन किशन, 8 बजे सुबह में, ठीक यस, 8 बजे चलेगा सर, है एट देन। फिर फिफ्टीन अगला तक क्लास, हाँ हाँ कोई नहीं, 8 8 15,
थोड़ा तो 19-20 हो ही जाता है, 8-8-15 तक हम ठीक लोग ज्वाइन करते हैं। सुबह मैं मैसेज कर दूंगा, देन उसके बाद वी विल ज्वाइन। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? है। नो सर, नो सर, इट्स ओके सर। ठीक है, सो आई एम गोना शेयर यू ऑल द पीडीएफ दैट वी हैव प्रिपेयर्ड, जो ऑलरेडी हो चुका है, मैं उसको अभी सेंड कर देता हूँ, पिछले क्लास में सेंड नहीं करना हुआ था। और आप लोग स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, और सारा पीडीएफ को ना एक ग्रुप या कुछ बना करके सारे पीडीएफ को एक जगह रख दीजिए, ताकि मैसेजेस के आगे पीछे ना हो। वो मैसेज करूंगा हाँ तो वो वो आगे सर पीछे हो ग्रुप जाएगा ना। एमसीओ, हाँ जैसे एमसीओ जीरो वन है ना, उसका ग्रुप अलग बना देता हूँ। MCO 04 है, उसका ग्रुप अलग बना देता हूँ, उसमें सबका नहीं, पीडीएफ अलग वैसे नहीं, अलग जगह वैसे नहीं, या तो इसी ग्रुप में रहने दीजिए, ग्रुप में उसको ना स्टार मार्क कर दीजिए, जो सब पीडीएफ है ना जिसमें सारा का सारा क्वेश्चन है उसको स्टार्ट स्टार्ट पे। कर दीजिए। वो देखना व्हाट्सएप में एक ऑप्शन रहता है मैसेज को स्टार्ट करने का, सर। मैसेज उससे के मैं ऊपर कह जब रही क्लिक। थी कि आप सिर्फ बोलिए बोलिए। सर कह रहे हैं आपने सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स का ही पीडीएफ सेंड किया है ना, 3? मुझे एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मुझे वही याद नहीं आ रहा है, कुछ और भी रेडी है, मैं वो सर सारे के आई सारे थिंक सेंड कर दूंगा। 23, 24 इस टाइप से है सर, MCO 23, 24, हाँ, और ट्वेंटी थ्री एक और ट्वेंटी फोर 24. होगा, 21 शायद नहीं होगा, 22 भी शायद मैंने सेंड किया था, और एमसीओ यस सर, सर सिक्स आई थिंक। 22 हाँ, ही तीन या है। चार यस मैंने सर, सेंड किए, MCO 6 तो नहीं है सर? MCO 6 नहीं है। अच्छा, मैं देख लेता हूँ, दो जो रेडी हो गया होगा मैं उसको सेंड कर दूंगा। ठीक है, और सबको स्टार्ट मैसेज में करके रख लीजिए, ताकि आपको जब दोबारा निकालना रहे तो तुरंत निकल जाए, ऐसे भी तो ढूंढना पड़ेगा कई बार। ओके सर, सर तो प्लीज आप सारा ना सब्जेक्ट्स का सेंड कर दीजिए, क्योंकि पढ़ना भी तो हाँ, होगा थोड़ा ना। बाकी है एक एक दो साथ रहेगा तो सब्जेक्ट्स का, चलेगा। एक दो सब्जेक्ट्स का बाकी है, उसको मैं करके एज सुन एज पॉसिबल मैं उसको सेंड कर दूंगा। ओके सर, ठीक है, ओके। फिलहाल सर जिसको आई थिंक सेंड अभी कर दिया 5 है उस सब्जेक्ट्स का सबको। सेंड करना है ना। जी क्या जी सर? सर कह रहे थे कि अभी सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स का सेंड करना ही है ना, क्योंकि आपने तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स का ही सेंड किया है ना। हाँ, तीन हो गया है तो फिर 5 तो मुझे सेंड करना ही है। सो आप जो मैंने यस सेंड किया, सर, मैं कह रहा था कि जो मैंने सेंड किया आप उस सबको फिलहाल स्टडी करते रहिए, ठीक है, एंड ओके सर, एज सुन एज पॉसिबल मैं उसको भी सेंड कर देता हूँ। ओके ठीक ओके सर, ओके है, देन फिर सुबह ओके मिलते हैं। ओके सर, ओके गाइस, यस गुड नाइट देन, ओके गुड नाइट, गुड। सर।